हिंगना तहसील के वानाडोंगरी में नागपुर के सतरंजीपुरा के रहने वाले 126 लोगों को शेल्टर होम भेजा गया है। सभी लोगों को 2 सरकारी छात्रावास में क्वारंटीन किया गया है। ये सभी लोग कोरोना संक्रमित मृत व्यक्ति के संपर्क में आए हुए थे। नागपुर के सतरंजीपुरा के 68 वर्षीय मृत व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिलने से सतरंजीपुरा में रहने वाले और मृत व्यक्ति के संपर्क में आने वाले सभी लोगों को अलग अलग होम शेल्टर में क्वारंटाइन रखा जा रहा है और इन सभी लोगों की प्रशासन द्वारा कोरोना जांच भी की जा रही है। वहीं गुरुवार को 126 लोगों को स्टार बस से वानाडोंगरी लाया गया और उन्हें वानाडोंगरी के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सरकारी छात्रावास में रखा गया है। इस छात्रावास में छात्र रहते थे। वहीं कुछ लोगों को वानाडोंगरी के ही अनुसूचित जाति व नौबद्ध सरकारी छात्रावास में रखा गया। इसी छात्रावास में छात्राएं रहती थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सभी छात्र और छात्राओं को अपने घर भेज दिया गया है। जिलाधिकारी के आदेश पर सतरंजीपुरा के 126 लोगों को तुरंत दोनों छात्रावास में क्वारंटाइन किया गया। इस शेल्टर होम में लोगों के लिए सभी सुविधाएं की गई है। इस दौरान उपविभागीय अधिकारी शेखर गाड़गे, नागपुर जिला तहसीलदार चंद्रकांत पाटिल, तहसीलदार सुनील सालवे, वार्डन सुधीर मेश्रा, मुख्याधिपिका स्नेहल शंबरकर, प्राध्यापक सतीश भालेराव, MIDC थानेदार हेमंत कुमार खराबे, साथ ही नगर परिषद वानाडोंगरी के मुख्याधिकारी भारत नंदनवार, तहसील स्वास्थ्य विभाग सभापति बालू मोरे, नगर सेवक गुणवंता मते, विनायक इंगले, सामाजिक कार्यकर्ता गजानन ढाकुलकर, रोशन कापसे आदि इस समय उपस्थित थे। हिंगना से सतीश भालेराव के साथ एकता गहरवार की रिपोर्ट।